हरियाणा H9PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। शिक्षा परिषद गुरुकुल मटिंडू, चौधरी पीरू सिंह जी संस्थापक गुरुकुल मटिंडू, दिव्यदर्शी शिक्षा विशार परोपकारी एवं सर्वोत्तम वक्ता की पुण्यतिथि के अवसर पर एवं गुरुकुल स्थापना दिवस पर उनके सम्मान में श्रद्धांजलि हवन का आयोजन। दिनांक 20 जनवरी 2023, दिन शुक्रवार, स्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरुकुल मटिंडू। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ब्रिगेडियर सत्यदेव प्रधान। समाज सेवी भूपेंद्र ठेकेदार ने 5,51,000 रुपए की राशि सिसाना गौशाला को दान दिए हैं। भूपेंद्र ठेकेदार ने इस तरह की बड़ी रकम से पहले भी हर वर्ष इस तरह गौशालाओं के लिए दान करते रहे हैं। उनका कहना है कि समाज सेवा किसी पद की मोहताज नहीं है। मन में अगर समाज सेवा की इच्छा व भाव है तो किसी भी तरह से की जा सकती है और वह इस तरह से समाज सेवा से जुड़े हैं और निरंतर समाज सेवा करते रहेंगे। शहर के दिल्ली चौक के पास स्थित किराना की दुकान का रात को चोर ताला तोड़कर दुकान में रखे काजू व सिगरेट के पैकेट चोरी कर ले गए। दुकानदार का कहना है कि चोरों ने गले में रखी करीब 500 से 600 रुपए की नकदी भी चोरी की है। सुबह दुकान पहुंचने पर जब चोरी का पता चला, मामले को लेकर 100 नंबर पर कॉल करने के साथ ही पुलिस को लिखित में चोरी की शिकायत दी गई। शहर की प्रताप कॉलोनी निवासी नरीश का कहना है कि उसने सापला मार्ग पर सोनू टेंडरिंग के नाम से किराने के सामान की दुकान की हुई है। रात को दुकान बंद कर घर चला गया था। मंगलवार की सुबह दुकान पर पहुंचा तो पाया कि दुकान के शटर पर लगा सेंटर लॉक टूटा हुआ है। बिरला इंटरनेशनल स्कूल खरगोदा की बॉक्सर एकता दहिया ने CBSE बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए कांस्य पदक प्राप्त किया है। मंगलवार को पदक जीतकर लोटी स्कूली खिलाड़ी का स्कूल स्टाफ द्वारा स्वागत किया गया। स्कूल चेयरमैन कुलदीप दहिया ने बताया कि 11 से 14 जनवरी तक ऋषिकुल विद्यापीठ सोनीपत में CBSE बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें उनके स्कूल के खिलाड़ी एकता दहिया ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में एकता ने कांस्य पदक हासिल किया है। इससे पहले भी एकता अपना व अपने स्कूल का नाम रोशन कर चुकी हैं। कोच रविंद्र, कार्यकारी अधिकारी सिकंदर दहिया, निदेशक प्रवीण डागर सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मंगलवार को कन्या कॉलेज की छात्राओं को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का पाठ पढ़ाया गया। सब इंस्पेक्टर संदीप ने कॉलेज में पहुंचकर छात्राओं को सड़क पर चलते समय जिन नियमों का पालन किया जाता है उनके बारे में विस्तार से बताया और सख्ती के साथ इनका पालन करने और अन्यों से भी करवाने की बात कही। प्राचार्य डॉक्टर योगिता मलिक ने इस दौरान कहा कि छात्राओं को चाहिए कि वह सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमों का पालन करें। बगैर हेलमेट के दोपहिया वाहन और बगैर सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन को न चलाएं। इसके साथ ही कोहरे में लेन से चलें। छात्राओं ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की शपथ ली। ई टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल को लेकर धरना जारी। खरगोदा के BTPO कार्यालय में सरपंचों का ई टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल को लेकर धरना जारी रहा। मंगलवार को झरोठी सरपंच जोगिंदर दहिया की अध्यक्षता में खरगोदा ब्लॉक के काफी सरपंचों ने धरने में शामिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सभी सरपंचों का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक धरना जारी रहेगा। इस मौके पर जितेंद्र राणा, राम सिंह, प्रहलाद, रामफल, सुरेंद्र, वीरेंद्र, प्रमोद, सीमा, अनिल, मुकेश, विनोद, संदीप, धर्मेंद्र, विजय, नरेंद्र दहिया, जगबीर, आशीष, सुभाष, जगबीर, विजेंद्र, राजेश व अन्य सरपंच मौजूद रहे। वहीं पीपली टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी रहा। AP गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट TV, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, बोटॉक्स, केमिकल पीलिंग, मेसोथेरेपी, PRP, माइक्रो डर्मा ब्रेसन, डर्मा रोलर, रेडियो फ्रिक्वेंसी कंसल्ट, डॉक्टर प्रशांत त्यागी, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट 705-651-1111। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सके। पर खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।